सो इट्स आर बेसिकली पांचवा दिन है और चौथा व्लॉग आप लोगों के सामने आ रहा है। तो जब आप लोगों ने लास्ट देखा था तो लास्ट इसके ऊपर जो काम हुआ था वो एक तरीके से कह सकते हैं प्राइमर कोट लगा दिया गया था। और उसके बाद भैया क्या चीज बढ़ाई गई है थोड़ा सा ऑडियंस को समझा दो। अब प्राइमर कोट लगाने के बाद हम लोग ने इसके ऊपर जो एक चेक पट्टी कॉम्बी फिलर जो बोलते हैं, ठीक है, पट्टी होती है पूरी गाड़ी के ऊपर, जिससे सारे माइनर फ्लॉज और जो भी रेक मार के निशान है वो सब कवर अप होते हैं। कोई माइनर डेंट रह गया है वो सब चीजें इससे कवर अप हो जाती है। आप लोगों को मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखो आसान शब्दों में भैया ने आपको चेक पट्टी वाली जो चीज है वो समझा दी। अगेन आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे ही आप लोगों की गाड़ी का प्राइमर कोट डन होता है उसके बाद गाड़ी को छोड़ा जाता है अच्छे खासे घंटों के लिए, है ना, उसको अच्छा टाइम दिया जाता है। अगेन आप लोगों को बता रहा हूँ, डस्ट प्रूफ जगह में काम कराने का फायदा जो सबसे बड़ा है वो है कि आपका प्रोसेस बाय प्रोसेस सारा काम स्लोली स्लोली और बढ़िया तरीके से हो जाता है। स्लोली का मतलब क्या है, 7 दिन का भैया ने मेरे को दिया, 5वां दिन चल रहा है, 7वें दिन हम इसमें पेंट मार देंगे। ऑल्दो मैं दिल्ली से बाहर जाने वाला हूं, लेकिन भैया ने बोला है कि इस सैटरडे को जो व्लॉग आने वाला है आप लोगों के लिए उसमें आपको गाड़ी रीपेंटेड दिखेगी। और इतनी जबरदस्त वाला हमने कलर कॉम्बिनेशन चूज किया, एंड आई नो कि बहुत सारी ऑडियंस अब वही मांगेगी कि वो कलर करके दो, है ना, तो वो कोड जो है वो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर कर देंगे। एंड अगेन अगर आप चेक पट्टी के बारे में बात करते हो, भाई चेक पट्टी जो है वो ऑलरेडी लगा चुका है। भैया क्या प्रोडक्ट होता है एक बार जरा ऑडियंस को दिखा दे, आप जो मेरे को ट्यूब से दिखा रहे थे एक बार बताना। एक्सो नोबेल का है, सेकेंड्स का कॉम्बी फिलर, ठीक है। तो ये जैश अपना, ठीक है, ये मतलब पूरे कॉम्बिनेशन है, हाँ ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और आप लोगों को चीज बताता हूँ, ये जो होती है भैया से जरा पूछ लेते हैं, भाई जरा एक चीज बताओ, जैसे आप इसको लगाते हो तो कैसे इसको लगाया जाता है, जरा ऑडियंस को थोड़ा समझाओ। इसको इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है, इसको मतलब फैला के लगाया जाता है पूरा। तो इसको सूखने का टाइम दिया जाता है, क्या किया जाता है? इसको हथियार सूख जाती है, तो पट्टी खासकर इसीलिए बनाई हुई है, ठीक है, काम कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो भाई ने पूरे जगह का कर चुके हैं। एंड एक चीज और मैं आप लोगों को पर्सनली एक अपने पर्सपेक्टिव से बताना चाहूंगा, अभी तक जो प्रोसेस चल रहा है इसमें से बहुत कम प्रोसेस होते हैं जो कि लोग आप लोगों की गाड़ी में असलियत में करते हैं। हाँ, ये सब चीजें नहीं करते, इतना डिटेल में नहीं करते। हाँ, वो लोग एनसी का अस्तर अस्तर मार के बेस बना के और सीधा मारना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल। और जिसकी वजह से अगर हम ये स्टेप ना करें तो 4 महीने बाद जो रेक मार के निशान है या कोई भी अगर माइनर सा स्क्रैच भी होगा दिखेगा, वो थोड़ी देर बाद नजर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया जो कि भाई ने आप लोगों को अच्छी तरह समझाया, मैंने भी समझा दिया। अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो हमारे पास ऑप्शन था, भैया ने मेरे से पर्सनली पूछा था, भैया आपने रूफ टॉप जो है वो ब्लैक तो रखनी रखनी है, तो उसके साथ में आप स्पॉइलर का क्या लुक रखना चाहते हो? तो मैंने कहा कि फुल ब्लैक जो बना हुआ है, ब्लैक जो अपना है पहले से वही ठीक है, चलो ठीक है। और भाई ऑडियंस कह रही थी कि जरा गाड़ी दिखा देना अंदर से किस हालत में है अभी, तो भाई अभी देख लो, अभी सारी फिटिंग हमने खोली है। और अच्छा बंदा जो भी काम करने वाला होगा वो जल्दीबाजी नहीं करेगा, सब कुछ खोल के सबको रखा जाएगा। अगर आप सीट कवर्स के बारे में बात करते हो, सीट कवर्स के बारे में भी सारा रीडू होने वाला है। बहुत सारे लोग कह रहे थे एक बार अपनी डैम्पिंग दिखाना कि भाई आपने पूरी डैम्पिंग हटवाई है कि नहीं हटवाई है, तो एक बार चेकआउट कर लो, जहां जहां से इसको फाड़ना पड़ा वहां से डैम्पिंग फटी है। अंदर की तरफ से अगर आप डैम्पिंग देखोगे तो ये सेफ हो गई, लेकिन फिर भी करना पड़ा जो हुआ, करना पड़ेगा दोबारा। अच्छा एक चीज बताओ भैया, जैसे रीपेंटिंग हो जाती है गाड़ी, अगेन इतना डस्ट होता है, इतनी धूल होती है, तो इसके बाद आपका क्या प्रोसेस रहता है? जैसे एक बार पूरी गाड़ी रीपेंट हो गई, रीपेंट करने के बाद प्रॉपर वॉश करते हैं गाड़ी, ठीक है, कंप्लीट वॉशिंग होती है, फिर ड्राई क्लीनिंग करते हैं लोग, ड्राई क्लीनिंग की जाती है, प्रॉपर ड्राई क्लीनिंग, मतलब बंदे को ऐसा लगेगा नहीं कि भाई मेरी गाड़ी में कुछ भी है मिट्टी, वो रोड साइड काम नहीं करते सर, प्रॉपर आपको क्लीन करके अच्छी तरह। चलो भाई ये तो भाई जो है मेरा काम कर ही रहा है, मीनवाइल मैं आप लोगों को चीज बता देता हूँ, भैया का अपना जो है, भैया इधर अपना वॉशिंग का भी सेंटर है, बहुत सारे लोगों ने उस चीज को प्रेडिक्ट किया था। और अभी हम लोग एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले हैं, जो आप बता रहे थे मेरे को कि ड्राई वॉश, तो उसमें क्या होने वाला है? वो बेसिकली क्या है कि आजकल पानी की स्केर्सिटी है, बिल्कुल, तो केमिकल मार्केट में आ गए हैं, ठीक है, और मशीन्स आ गई हैं जो स्टीम के थ्रू पानी कम यूज होता है, ठीक है, आपका हार्डली 3 से 4 लीटर के अंदर स्टीम के थ्रू गाड़ी पूरी कंप्लीट वॉश हो जाएगी, ठीक है, और फिर जो केमिकल अप्लाई करेंगे उससे आपको कोई साबुन लगाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, मतलब परफेक्ट हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, तो ऑडियंस में बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे भाई यार तुमने गाड़ी नहीं दिखाई, तो मैं पूरा आप लोगों को एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। तो भाई ये है आप लोगों का रियर व्यू, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई
गाड़ी के जो जो चीजें खुलती है वो हेडलाइट, आप लोगों की टेल लाइट, जो मेन मेन पार्ट होते हैं जैसे साइड के गत्ते, जो कि आपको यहाँ पर रखे हुए दिख जाएंगे। अगेन इसको इधर इसलिए रखा गया बाय चांस कभी शीशा ऊपर या नीचे करना पड़ता है तो उसके लिए ये यूजफुल होता है। साइड की तरफ में मेरा भाई यहाँ पर काम कर रहा है, आप लोग देख लो। और चेक पट्टी में भाई ये भी समझाएगा आपको कि सूखने के बाद कैसे हाथ फेर के देखा जाता है ना भाई, और कैसे पता चलता है कि भाई कहीं से उबड़ खाबड़ तो नहीं है। तो जब भी मतलब जैसे ये करते हो चेक पट्टी, तो इसमें कितने परसेंट चांस होता है कि दिक्कत आ सकती है, जैसे मतलब चेक पट्टी के बाद इसमें दिक्कत नहीं आती, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी? अगर जो भी है ना खींचते हैं तो पता पड़ जाती है हाँ जी कहाँ कमी है। अच्छा खींचते, हाँ जी खींचते पता चल जाएगा। थोड़ा समझाओ जरा कैसे खींचते हो। यहाँ पे कमी है, ठीक है मैंने आपको लगाया है तो ये है ना बैंड क्या होगा कि ये चीज दिख जाएगी और ये चीज भर गई। अच्छा हाँ जी ये चीज हम जब कटाई करेंगे ये पट्टी यहाँ पर रुक जाएगी। अच्छा रुक जाएगी, ये साफ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है तो एक बार साइड से भी चेकआउट कर लो, आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ। और जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि भाई आप लोगों को दिखाऊंगा, ये मैं योला पिलर हटा रहा हूँ जैसा भैया ने मेरे को रिकमेंड किया था कि हाँ ये हमने रिमूव कर दी। और सबसे अच्छी बात देख लो भाई, मैं टेपिंग जो मैंने लगाई थी भैया वो कोई खराब टेपिंग तो नहीं थी कंपनी की, उसने कुछ भी ग्लू छोड़ा नहीं, कुछ नहीं आप कर सकते हो। मैंने इसके ऊपर कुछ नहीं अप्लाई करा, खाली टेप रिमूव करी और एज इट इज है। और भाई एक चीज और बताऊंगा, इतना बढ़िया ग्लू था और मैंने बहुत अच्छे पैसे स्पेंड किए थे तो उसका वर्थ है। आप लोगों को इसीलिए मैं अच्छी जगह रिकमेंड करता हूँ, एक बार चेकआउट कर लो पूरा का पूरा। ठीक है भाई एक बार आप लोग देखते चलो, आप लोगों को भी एक ओवरव्यू दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है तो एलॉय जो है वो थोड़े गंदे आप लोगों को लग रहे होंगे लेकिन प्लीज माइंड मत करना क्योंकि ये भी साफ हो जाएंगे। और भैया चेक पट्टी जो है हमने आगे की साइड में भी कर दिया बोनट में, क्या हुआ था समझाओ समझाओ एक बार फिर से समझाओ। ये जो है पट्टी जो रुकी हुई है ठीक है, तो यहाँ पे डेंट है ना हल्के फुल्के वो भी कवरिंग हो गए बिल्कुल ओके है। अच्छा मतलब वो फेरने के बाद आपको पता चल गया था कि डेंट है हल्के फुल्के। अभी ये शाइनिंग हम लोगों ने करी है ठीक है, ऐसे जैसे आपने ये पीस देखा है येलो पूरा येलो हुआ हुआ है ठीक है, जैसे ब्राउन पीस पूरा हुआ सेम पीस ही ऐसे हुआ हुआ था ठीक है भैया। इसकी सैंडिंग करने के बाद जहाँ जहाँ ये रह गया है ये वो आपकी सारी कमियां है जो कवर अप हो गई इससे ठीक है, जो छूट गया है। अच्छा ये हाँ ये कमी है सारी। अच्छा ये कमियां है सारी की सारी। हाँ जी अच्छा ऐसा होता है क्या? हाँ जी चलो भाई लगाई जाती है जो कमी होती है ठीक है, कमी होती है वो छूट जाती है इससे। अब इसके ऊपर हम रंग मार सकते हैं फाइनल मार सकते हैं, मतलब ये मेरा बोनट तैयार हो चुका है और मेरा साइड का भी तैयार हो चुका है, दो पीस आपकी ये तैयार होती है। आप इसको फील करके देखो कितना स्मूथ है। बिल्कुल यार अब देखो वीडियो में तो आप लोग तो नहीं कर पाओगे लेकिन मेरे को लिटरली पूरा फील हो रहा है कि भाई बिल्कुल जैसे सिल्क होता है, सिल्क स्मूथ है सिल्क वाला, तो वो चीज इसमें फील होने वाली है। एंड अगेन मेरा भाई जो है वहां पर काम कर रहा था, एक बार जरा भाई बताइए कैसे बराबर किया जाता है अगर जैसे कहीं पर उबड़ खाबड़ कुछ हो, जैसे तुम मशीन फेरोगे अभी। हाँ जी है ना, ये यहाँ पे कमी थी ये मैंने अभी लगाई है तो पट्टी रुक गई है यहाँ पर। अच्छा ये रुक गई है यहाँ पर, अगर इसको काटेंगे ना तो ये पट्टी यहाँ पर रुक जाएगी बिल्कुल पैंट के लिए बिल्कुल तैयार रहेगी। अच्छा मतलब जहाँ पर कमी है वहाँ पर वो चीज अलग से दिखेगी। हम इसी से लगाते हैं पूरे पीस पे, जो कमी होगी वो प्रॉपर वहाँ पर सही हो जाएगी। चलो अब ये तो बहुत बढ़िया चीज है, मतलब ये होता है बाहर कहीं की नहीं होता? नहीं बहुत कम लोग यूज करते हैं कंपनीज में क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। टाइम कंज्यूमिंग है और इतना डिटेल में प्रोडक्ट लोग लगाते नहीं है, मोटा मोटा करके और सीधा पेंट मार। तो भाई चलो यार भैया ने आपको इतनी बढ़िया चीज बता दी है। एंड अगेन जो नेक्स्ट काम होने वाला है वो मंजाई का होगा, यानी कि सैंडिंग की जाएगी है ना। कौन सा वाला पीस करके दिखाओगे सैंडिंग? ये वाला करके दिखाओगे। चलो भाई इसको डन कर देंगे और हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो उस टाइम पे आपका भी मन कर जाए। तो भैया अगर कोई भी आना चाह रहा है अपने पास, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ भैया के पास कोई आना चाहता है कैसे आ सकता है आपके पास? सर ये अपना बहुत ईजी लोकेशन है हमारी रमेश नगर में मेट्रो पिलर 341 के सामने, मोती नगर रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के पर। और क्या नाम है अपने? शिखर ऑटोमोबाइल्स। बहुत जेन्युइन है भाई, बढ़िया है और काम आप लोगों के सामने चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। देखो भाई प्यार करने वाले बहुत है और पिछली बार जब बच्चे वाली बात बोली थी उसके बाद से लोग सुधर गए, बच्चे सुधर गए है ना, बच्चे सुधर गए। अब बच्चे जो है वो कमेंट नहीं कर रहे फालतू बेलने वाले, उल्टे सीधे कमेंट नहीं कर रहे। तो भाई हम क्या कर रहे हैं इसमें जरा थोड़ा समझा दो लोगों को। ठीक है इसकी मजाई की जा रही है, तो ये हम मशीन से नहीं करते, ये मैनुअली होता है। कितने नंबर का इसमें रेक मार यूज होता है? 400 का रेक मार है। रेक मारा जाता है 600 का फिर 1000 का। अच्छा पहले 600 फिर मतलब 400 600 और 1000। चलो भाई देख लो एक बार, ठीक है जहाँ से ये हट रहा है वहाँ पर फाइन है, जहाँ पर ये रुक गया वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत या फ्लो होगा तो वो अपने आप ही कवर अप कर लेगा। तो भाई समझ गए होंगे इजी वर्ड में, बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। और आप लोगों की रिक्वेस्ट में एक गाड़ी याद होगी आप लोगों को जो थोड़ी सी बुरी हालत में थी, इसका भी थोड़ा काम सही हो गया। इसमें बॉडी पिलर और ये सब सैंडिंग चल रही है, तो एक बार दिखा देते ऑडियंस को, आ जाओ भैया एक बार। तो भाई अपनी गाड़ी नहीं दिखाऊंगा, औरों की गाड़ी भी चेकआउट कराता हूँ और बिल्कुल अनकट रख रहा हूँ।
गाड़ी दिखाई थी इससे पहले जो पूरी आप लोगों को ऐसा दिख रहा था कि पूरा एक्सीडेंटल वाली हालत में थी, और भैया ने जैसा आपको बताया था कि गाड़ी पूरी डैमेज हो रही थी अगेन, भैया कौन सा प्रोसेस इसमें हो चुका है डन? ये सैंडिंग चल रही है, अब इसकी बॉडी फिलर की। ठीक है, बॉडी फिलर की, और इसमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा है, इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा है। तो भाई एक बार चेकआउट कर लो, देख लो प्रोसेस जो है वो हरदम सेम है। अगेन ऐसा नहीं है कि पर्सनली मैं अपनी गाड़ी करा रहा हूँ तो भैया तब मेरी गाड़ी में ऐसा कर रहे हैं, हर किसी की गाड़ी आती है तो सेम काम होता है। तो भाई ऊपर भी चेकआउट कर लो। एंड अगेन सबसे भैया ने मेन चीज बोली थी कि सबसे ज्यादा डैमेज इसमें ऊपर की साइड में था, काफी ज्यादा डैमेज थी तो उसमें बहुत टाइम लगा, बहुत ज्यादा टाइम लगा। ठीक है, तो अगेन साइड से भी एक बार चेकआउट कर लो आप लोग। ठीक है, पीछे की साइड में भी। तो इसमें भैया मतलब बेसिकली डेंटिंग और सैंडिंग वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, ये भी मतलब 4 दिन के अंदर रेडी हो जाएगी। हाँ, और टाइम लेगा नहीं, हो जाएगी ये भी 4 दिन के अंदर हो जाएगी। सो भाई एक ओवरव्यू आप लोगों को देना बहुत ज्यादा जरूरी है, आई गेस कि आप लोगों को एक रफ आइडिया मिल गया। हमेशा कहता हूँ कि कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज जो है हमारे चेतन भैया के पास हमेशा होती है। तो चेतन भैया अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या चीज है, क्या इसमें यूज होता है, और मतलब ये हमारे पास एक्सक्लूसिव है और उनके पास भी होता है? ये होता है सब जगह होता है। ठीक है, ये बेसिकली इंजेक्टर क्लीनर है, एवरी 40,000 किलोमीटर पे आपके इंजेक्टर्स क्लीन होते हैं। ठीक है, आजकल जो सीएनजी कार्स आ रही हैं उसमें तो मैंडेटरी है 20,000 रुपए करानी पड़ती है, क्योंकि यूजुअली लोग पेट्रोल कम यूज करते हैं, गैस पे चलती रहती है। ठीक है, और इंजेक्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, ये पूरा उस मतलब पूरा प्रोसेस क्लीन कर देते हैं। तो कैसे, ये कितने देर का प्रोसेस रहता है? ये हाफ एन आवर का प्रोसेस है, हाफ एन आवर के इंजेक्टर्स खोल के इसमें प्लेस होते हैं। ठीक है, 15 मिनट का टाइमर होता है, 15 मिनट टाइमर में वो इंजेक्टर्स क्लीन होते हैं केमिकल से। ठीक है, इसको गाड़ी में दोबारा फिट। चलो भाई परफेक्ट है, ये तो भैया ने आपको दिखा दिया, हर बार हम लोग कुछ ना कुछ एक डिफरेंट चीज दिखा रहे हैं। एंड अगेन आप लोगों को बताना चाहूंगा सर्विसिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे पास आया था भैया, लोग पूछ रहे थे कि जैसे एक बेसिक सर्विस होती है और अगर हम कोई बंदा मतलब आपके पास आके एएमसी करवाना चाहे तो एएमसी का ऑप्शन है? एएमसी का फिलहाल नहीं है, लेकिन वो इन प्रोसेस है, हम लोग एएमसी में प्लान कर रहे हैं। ठीक है, हर गाड़ियों की एएमसी एनुअल मेंटेनेंस। ठीक है, और अगर हम लग्जरी गाड़ियों के बारे में बात करें, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू, क्या हम लोग करते हैं उसको एंटरटेन, पूरा एंटरटेन करते हैं? चलो भाई ठीक है, सुपर। अगर कार्स है, लग्जरी कार्स आपके पास है तो भैया का एक आप लोगों को ओवरव्यू मिल जाएगा। अगेन गाड़ी की क्लीनिंग हो रही है, अपनी गाड़ी का काम चल रहा है, जैसे जैसे प्रोसेस चलता है वैसे वैसे मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा बोर नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और आप लोगों तक वीडियो पहुंचा। भैया जैसे सर्विसिंग के टाइम पे यूजली लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि भाई यार गाड़ी जो है वो नॉर्मली ऐसे सर्विस कर दो, कुछ ऐसे फर्क नहीं पड़ता। सो हाइड्रोलिक जो है वो ऑफ कोर्स ही बात है एक इनोवेटिव चीज है, एंड इट्स अ मैंडेटरी, क्योंकि अगर आप अच्छा एक शोरूम या फिर एक वर्कशॉप चला रहे हो तो आपको ये मैंडेटरी रखना पड़ता है। तो इसके क्या फायदा रहता है अगर आपके पास एक अच्छा पूरा मतलब अगर सेटअप है तो? जो टू पोस्ट लिफ्ट है वो तो खैर मैंडेटरी है एक वर्कशॉप के लिए। ठीक है, इसमें अंदर बेनिफिट ये है कि प्रॉपर आप अंडर बॉडी गाड़ी की अच्छी तरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, सस्पेंशन एंड ऑल, कोई अंडर बॉडी डैमेज है, कुछ भी चीज है, तो दिस इज वेरी यूजफुल थिंग, एंड ये बहुत जरूरी है होनी हर वर्कशॉप में अगर आप प्रॉपर काम कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी का, प्रॉपर ऊपर से लेके नीचे तक थॉरली चेकअप कराना चाहते हैं, तो दिस इज मैंडेटरी। सो भाई बेस्ट चीज है, एंड आई गेस कि आप लोगों को समझ आया। आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ जो कि चेतन भैया और मैं डिस्कस कर रहे थे, हुआ क्या था, मैंने जो है अपने, अगर आपने कृष्णा भाई देखे जिनकी मैंने वीडियो करी थी, तो वैसा मैंने सोचा था कि कोई बम्पर मैं प्लान करूंगा जो कि मैं थाईलैंड से इंपोर्ट करा रहा था, और हो सकता था कि मैं उसको थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करवा के लगवा लेता, वो ABS वाला होता या फाइबर वाला होता, वो सब ऑप्शन जो है वो मिलते हैं। तो मेरे को चेतन भैया ने क्या बोला था एक बार चेतन भैया फिर से ऑडियंस को बोल दो। सर देखो, जेन्युइन चीज़ जेन्युइन होती है, अगर आप मॉडिफाइड बम्पर्स लगाते हैं दैट इज़ गुड, आपकी गाड़ी की लुक बन जाएगा, लुक बहुत एनहांस हो जाएगी, गाड़ी आउट ऑफ द बॉक्स नज़र आएगी रोड पे आपकी। ठीक है, लेकिन आप जैसे दिल्ली में इतने कंजेशन है, यहाँ पे आप गाड़ी चलाएंगे तो कहीं ना कहीं टच होएगी होएगी, आप नहीं मारोगे कोई दूसरा मार के जाएगा। ठीक है, कोई उसका पार्ट गिर गया, कोई ग्रिल गिर गई, कुछ भी गिर गया, या फाइबर का प्रोडक्ट है, आप उसको रिपेयरिंग में उसकी मतलब फाइबर वाला तो मेरे को लगता ही नहीं है कि फिर होगा, उसको आप रिपेयर में आपको दिक्कत आएगा आएगा। ठीक है, सो गाइस देखो अभी हमने प्लान क्या किया है, हम लोग बम्पर वही नॉर्मल रख रहे हैं अपना, बम्पर के साथ छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है पीछे का डिफ्यूजर मिल गया तो मैं अच्छा वाला डिफ्यूजर लगा लूंगा, और अभी जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ आगे चलने की थोड़ी, इसमें ड्यूल एग्जॉस्ट लगाने का सोच रहा हूँ मैं। ड्यूल एग्जॉस्ट कैसा है, मतलब ड्यूल एग्जॉस्ट मुंह वाला तो अभी निकला हुआ है, लेकिन अब ड्यूल पाइप वाला एग्जॉस्ट लगाने का सोच रहा हूँ, डबल साइलेंसर वाला, तो लेट्स सी सब कुछ कैसा रहता है। एंड ऐसी कुछ प्लानिंग दिमाग में थी तो मैंने आप सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दो। चीज है जो कि चेतन भैया आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, चेतन भैया ऐसा नहीं बोल रहे कि सब लोग ऐसा करते हैं, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, क्या होता है भैया? ये 90% लोग यही करते हैं, फिटिंग्स पूरी खोलते नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ी में डस्ट वस्ट सब वहीं इंटैक्ट रहता है और कलर के अंदर एक जोड़ बन जाता है। ठीक है, कैसे होता है बता दो एक बार। ये देखिए, इसकी हमने ये फिटिंग रिमूव करी है। ठीक है,
ये फिटिंग रिमूव करके इसको क्लीन करा गया। अब इस पर पेंट अप्लाई होगा तो ये पूरे पीस पे पेंट अप्लाई होगा, ठीक है। यूजुअली मार्केट में लोग क्या करते हैं, ये बिडिंग एज इट इज लगी छोड़ देंगे, ये पीछे आप देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इसके अंदर डस्ट है कितना जो भी है वो इसके अंदर ही रहेगा, इसी के ऊपर मास्किंग करेंगे और पेंट हो जाएगा, और वो मतलब जोड़ भी दिखेगा, पेंट में जोड़ भी आ जाएगा। अच्छा, और डस्ट वो पेंट क्वालिटी भी खराब कर देगा। तो भाई देखो, भैया ने बड़ी यूजफुल चीज बताई है, आप लोगों को अपने दिमाग में इस चीज को रखना। सो यहाँ मंजाई का जो काम चल रहा है वो आप लोगों के सामने निकल के आ चुका है, तो आप लोग देख सकते हो कहाँ कहाँ पर फ्लॉ थे, कहाँ कहाँ पर फ्लॉ नहीं थे। जी, ये जितना येलो पैच नजर आ रहा है ये सारा आपका फ्लॉ है, समझ गए भाई। अब देखो इजी शब्दों में, जो भैया ने क्रीम लगाई उस क्रीम को बराबर से फैलाया, उसके बाद उसकी मंजाई करी, मंजाई करने के बाद जो ये पैचेस आप लोगों को दिख रहे हैं दिस इज द फ्लॉ, ये फ्लॉ जो है पेंट करने के बाद एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। इसके बाद आप कुछ नजर नहीं आएगा, इसके बाद कुछ नजर नहीं आएगा क्योंकि इसके ऊपर आप लोगों की वाली क्रीम लग गई, और लोगों को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भाई कुछ लोग क्या करवाते हैं, मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, जैसे अगर इतना पार्ट डैमेज हुआ यहाँ पर पुट्टी भरवा के पेंट करवा लिया, और कभी ऐसा टाइम आया किसी बंदे ने अगर जोर से भी उसमें हाथ मार दिया ना, हल्का डैमेज होगा तो वो पुट्टी का पूरा पीस ही गिर जाएगा। तो भाई समझो इस बात को भाई, ठीक है। और भाई देखो, नॉलेज मैं जितनी दे सकता हूँ उतनी शेयर कर रहा हूँ। अभी इधर की मंजाई हो गई भाई, इधर की मंजाई रह रही है, तो भाई देख लो बिल्कुल फाइन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये फाइनल हो गया, मतलब ये रेडी है, है ना, सही है भाई, बिल्कुल परफेक्ट भाई, परफेक्ट। देखो भाई, तो गाइस देखो वीडियो में मैं आपको फीलिंग नहीं दे सकता हाथ की छूने की कि कैसी फीलिंग आ रही होगी, लेकिन स्टिल आप लोग जितना समझ सकते हो, जितना एक लेमैन समझ सकता है उतना मैंने आपको समझा दिया है। सो भाई हमारी आज जो ये वीडियो है, इट्स आर फोर्थ व्लॉग, इट्स आर फाइव डे गाड़ी का काम होते हुए, भैया ने कमिटमेंट किया है 7 डेज, हो सकता है मेरी वजह से 8वां दिन हो जाए क्योंकि मुझे दिल्ली से बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन भैया ने बोला है मैं वर्कशॉप में आपके लिए एक दिन गाड़ी एक्स्ट्रा रख लूंगा, रख लोगे ना, कोई बात नहीं, कैमरे के लिए हाँ बोल दो, ठीक है, भैया ने बोल दिया कि रख लूंगा। तो भाई जो यहाँ पर काम बड़े प्यार से कर रहे हैं, बड़े ध्यान से करते हैं, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जितने भी मेरे पेंटर भाई है, भाई मास्क जरूर पहनना, ठीक है भाई, हैं, पेंट करते अभी पेंट नहीं कर रहे हैं इसलिए उतार, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मास्क तो हमेशा पहनना, ठीक है भाई। तो आई गेस कि आप लोगों को एक ओवरव्यू चाहिए था, और आज की वीडियो मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया। आपको एक चीज पहले बता देता हूँ, मैंने जो वर्ड यूज किया वो था चेक पट्टी, होता वैसे अगर नॉर्मल वर्ड में देखोगे मतलब हिंदी में तो उसको चेक पट्टी ही बोला जाता है, वैसे चेक पुट्टी होता है, चेक पुट्टी होता है। अगर कैप्शन तुम चेक पुट्टी पढ़ रहे हो और तुम बोलोगे मुसाफिर भाई चेक पट्टी क्यों बोल रहे हो, कमेंट मत करना भाई, मैंने तुम्हें लास्ट में बोल दिया ये चीज। अगेन भाई मैंने आप लोगों को जैसे बोला, काम प्यार से, मोहब्बत से और नॉलेज से होता है, ऐसे नहीं होता। और मैं अभी स्पेशली गाड़ी बाहर निकलवाई है क्योंकि मेरे को एक बार तो थोड़ा दिन के उसमें देखना था, है ना भैया, और मैंने ये चीज बोली कि भैया एक बार दिन में आप चेकआउट करो कि आपकी गाड़ी कैसी लग रही है। एंड पर्सनली मैं आप लोगों को चीज बताऊंगा, अगर आप लोग एश्योरिटी चाहते हो कलर से रिलेटेड, तो भैया जो है इवन जो कलर्स यूज करते हैं उसके आपको कोडिंग भी बताएंगे, यू कैन योरसेल्फ चेक इट कि भाई ये गाड़ी का है कि नहीं है, है ना। हर गाड़ी का आरसी के थ्रू आप लोगों को बचल जाता है कि क्या कोड है और कैसे है, सब कुछ मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको बदल जाएगी। अगेन रिकमेंडेशन फ्रॉम मुसाफिर साइड, कोई भी भाई काम करवाने का सोच रहा है रीपेंटिंग का और दिल्ली में रहता है, स्पेशली रजौरी गार्डन, सुभाष नगर, रोहिणी, पश्चिम विहार, द्वारका, ठीक है, मैं जितना बोल सकता हूँ उतने मैंने बता दी, बाकी आसपास के भैया आ जाना, ठीक है, तो भैया के पास जरूर आओ। रमेश नगर में अगर आप लोग आ रहे हो तो भैया कैसे पहुंचना आपके पास, फिर से बता दो। पिलर 341 है, इजी लोकेशन, आप मेट्रो गूगल में नीचे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में हमारी हमेशा मिलती है, ठीक है। भैया का एक बार नंबर और बोल दो, 9810047047, ठीक है भाई। तो भैया जो है वो एक नंबर के भाई, बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन देते हैं और वीडियो जितनी अच्छी हो सकती है उतनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो गेट रेडी, इस संडे को आ रहा है हमारा पेंटिंग ऑल ओवर, सो फाइनल पेंट जॉब कैसे होता है आप लोग देखना, कलर का कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा, रात का टेस्ट दिखाऊंगा, दिन का टेस्ट दिखाऊंगा, धूप का टेस्ट दिखाऊंगा, और उसके बाद भैया को अप्रिशिएट करेंगे। सो विद दिस सेट गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो करना है, लिखिए MUSAFIR 7811 यानी कि मुसाफिर 7811, फेसबुक में फॉलो करना है, लिखिए मुसाफिर स्कॉट। सो करते हैं आज की इस वीडियो को एंड, सो टिल देन कीप वॉचिंग, ऐसे सैल्यूट, बाय बाय। अब तो भैया सीख गए मेरे साथ ना, अब रोज सीख गए।